दुनिया में इस वक्त फिलिस्तीन और इसराइल के बीच छिड़ी जंग को लेकर काफी टेंशन है। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से 5000 रॉकेट की बौछार दक्षिणी इसराइल पर की गई है। इसके बाद इसराइल की सेनाओं ने खुद को युद्ध के लिए तैयार बता दिया है। अब दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में वहां पर बहुत सारे भारतीय फंस गए हैं, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा का नाम भी शामिल है। अब उनके फैंस और इंडिया में जो उनके करीबी लोग हैं वो काफी परेशान हैं। ऐसे में जो अपडेट निकल कर आ रही है नुसरत भरूचा के बारे में, वो हम आपको बताएंगे कि आखिर नुसरत कैसी हैं। आपको बता दें, नुसरत की टीम ने कहा है कि नुसरत दुर्भाग्य से इसराइल में फंस गई हैं। वो हाइफा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए वहां गई थी, तभी वहां पर जंग जैसे हालात हो गए। फिलहाल उनकी टीम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उनकी टीम के एक मेंबर ने कहा है कि आखिरी बार मैं उनसे शनिवार दोपहर यानी सैटरडे में 12:30 बजे के आसपास कांटेक्ट करने में कामयाब रही। उस वक्त वो एक तहखाने में सेफ थी। हालांकि टीम ने सुरक्षा कारणों से उनके लोकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम नुसरत को सेफली भारत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित वापस लौटेंगी। आपको बता दें कि शनिवार को गाजा पट्टी में आतंकवादी समूह हमास और इसराइल के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया है, जिसमें कम से कम 200 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे और सीमा के पास कई इजरायली सैनिकों को भी पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। वहीं पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम युद्ध में हैं, ऑपरेशन में नहीं। अब इन सब टेंशन्स को देखने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है, जो नुसरत भरूचा से इंडिया में काफी प्यार करते हैं और उनके सभी फैंस उनके लिए काफी दुआ भी कर रहे हैं। फिलहाल अब तो इंतजार करना होगा कि वो वापस कब लौटेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।